ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के विजयी हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत सहज और सरल व्यक्ति हैं नारायण सिंह कुशवाहा। इनको कोई कभी भी ढूंढ के पकड़ सकता है ग्वालियर में, इनकी यही खूबी है। और जो कुशवाहा समाज है उसका दबदबा है ग्वालियर दक्षिण सीट पर, यही वजह है कि जो सिटिंग MLA है कांग्रेस के प्रवीण पाठक, उनको बड़ी आसानी से नारायण सिंह कुशवाहा ने शिकस्त दे दी है और नारायण सिंह कुशवाहा एक बार फिर जीत के मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं। और संभव हुआ, जातिगत आंकड़े देखे जाते हैं तो उसमें इनको मंत्री भी बनाया जा सकता है। प्रवीण पाठक जो है वो हार गए हैं, अभी एक इनका हाल ही में वीडियो बड़ा चर्चित हुआ था मतदान के दौरान जब ये कलेक्टर के साथ विवाद कर रहे थे। अदीब, क्या जानकारी है ग्वालियर से आपके पास? जी, कहा जाता है कि जनता जितने जल्दी किसी नेता को सर पर बिठालती है तो उसके बाद उसकी अगर बर्ताव सही ना रहे तो जगह दिखाना भी जानती है। खबर यही आ रही थी जगह से, जमीन से, कि प्रवीण पाठक का रवैया कुछ सही नहीं है, उनके बर्ताव को लोग पसंद नहीं कर रहे थे और यही बड़ी वजह बन गई उनकी हार की, कि उनका बर्ताव कहीं ना कहीं जनता के प्रति, लोगों के प्रति वो सही नहीं दिखाई दे रहा था। जो एरोगेंसी कई बार भारी पड़ जाती है, उस समय नेता को लगता नहीं है कि वो जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, जनता आपके सामने नहीं बोलती लेकिन जब वक्त आता है वोट डालने का तो आपके खिलाफ मोहर लगा देती है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के प्रवीण पाठक के साथ हुआ है और नारायण सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर जीत कर विधानसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं। नारायण सिंह कुशवाहा को ग्वालियर में 66,538 वोट मिले हैं, वहीं प्रवीण पाठक की बात करें तो इनको 61,186 वोटों से संतोष करना पड़ा है और हार का सामना करना पड़ा है। जबकि इस बार माना ही जा रहा था कि ग्वालियर में जो स्थिति है वो कांग्रेस के फेवर में है, वैसे तो प्रदेश में मानी जा रही थी लेकिन जो मोदी नाम की आंधी चली है उसमें तमाम सारे लोग उड़ गए, उनमें प्रवीण पाठक भी एक है। तमाम और सीटों पर जीत हार के आंकड़े क्या हैं, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।